हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे पंचकुला। पंचकुला की श्री माता मनसा देवी मंदिर में अश्वनी नवरात्र के पहले दिन महामाई के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उसके बाद पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस अवसर पर हरियाणा स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, विधायक असीम गोयल और पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि विशेष घोषणा के लिए बुलाया है। सीएम ने कहा, अग्रोहा धाम का इतिहास भी है। माना जाता है कि महाराज अग्रसेन की राजधानी रही है। हमारे देश में व्यापार का मथुरा या तक्षशिला माना जाता था। जब व्यापारी आते जाते थे तो बड़ा पड़ाव अग्रोहा था। अग्रदूता के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध था। सीएम ने कहा कि इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ था जो बंद हो गया था। फिर से हमारे पुरातत्व विभाग ने पत्र लिखा था। दो दिन पहले हमें परमिशन मिली है। सीएम ने कहा कि ये खुशी की बात है। आज अग्रसेन जयंती भी है। आज का दिन इस मायने से भी शुभ है, उस स्थान को विकसित करने की हमने पहले ही योजना बना रखी थी। हिसार एयरपोर्ट का नाम भी हमने महाराज अग्रसेन जी के नाम पर रखा है। सीएम ने कहा, 100 से अधिक साइट हैं जिनको आर्कोलॉजी विभाग ने पहचान की है। सीएम ने कहा, इसके लिए पैसे के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा सरकार भी खर्च करेगी। इसमें एएमयू होगी, जीपीआर सर्वे हरियाणा सरकार की तरफ से की जाएगी। सीएम ने कहा, इसमें म्यूजियम भी बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि एक जानकारी मिली है कि हिसार का नाम हिसार एतुगल का था। सीएम ने कहा, हो सकता है कि भूकंप के चलते नष्ट हुआ हो या जानबूझकर इसको मुगलों ने नष्ट किया हो। सीएम ने कहा, हिसार का विकास हुआ मगर अग्रोहा का नहीं। अब अग्रोहा को एक विकसित स्थान बनाने की योजना सरकार की है। सीएम ने कहा, महाभारत से पहले भी हरियाणा का नाम आता है, वेदों में भी इसका नाम आता है। सीएम ने कहा कि महाराज अग्रसेन की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सीएम ने कहा कि कई भ्रांतियां थी जिसको तोड़ा है। कहा जाता है, कपाल मोचन जो जाता है वो हार जाता है। हमने इस भ्रांति को तोड़ा है। इसके अलावा मधुबन में कहा जाता था कि हेलीकॉप्टर उतरेगा तो हार जाएंगे, लेकिन मैंने उस भ्रांति को भी तोड़ा। जीपीआर सर्वेक्षण के बाद निश्चितता हो जाएगी इसमें क्या मिलेगा। उसी लेवल पर आएगा और आज तो जो के विकास इस नाते से बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। अब हिसार और अग्रोहा ऐसे भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, दूरी तो मात्र 20 किलोमीटर वैसे है। अब तो आगे फैलाव हिसार का होते होते 15-16 घंटे रह गई है। उस पूरे क्षेत्र को एक अच्छा विकसित एक शहर बनाने की योजना भी आगे चल रही है। हम लोग हरियाणा में विशेष तौर पर जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनका विकास और जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके बारे में जो हमेशा विचार करते रहते हैं, जैसे अपने संत महापुरुषों की एक विशेष योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रचार प्रसार योजना, उनके सम्मान के नाते कितने ही संतों को राजकीय स्तर के ऊपर हमने उनकी जयंतियाँ ये सब बनाई हैं। तो एक प्रकार का हरियाणा सरकार का जो इन सालों का जो महत्व, इस बात से भी हम हरियाणा का बढ़ते हुए देख रहे हैं कि हरियाणा कोई आज की भूमि नहीं है। महाभारत से पहले काल में भी हरियाणा का और उल्लेख उस समय आता है, लोग तो कहते हैं वेदों में भी इसका उल्लेख आता है। हरियाणा का अपना एक भविष्य यानी हमारे अतीत जो स्वर्णिम अतीत है उसी के ऊपर हमारे भविष्य की नींव खड़ी हो और एक विकसित हरियाणा, एक ढाकड़ हरियाणा ये आगे बने, यही बात आप तक आज मैंने पहुँचानी थी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।